अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं आपको सिखा रही हूँ ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन, बहुत इसी तरीके से, बहुत आसान तरीके से। तो गाइस ये पीछे का ब्लाउज़ का पर्थ है, ये देखें गाइस। तो गाइस ये डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। तो गाइस हमें यहाँ से बीच से काट लेना है इसे, ये देखिए गाइस इस तरीके से काटना है बीच में से। तो गाइस ये हमारा पर्थ, हम अलग अलग कर लेंगे दोनों पर्थों को इस तरीके से। तो गाइस ये बैक डिज़ाइन है, यहाँ पर हमें पट्टी लगानी है, जैसे कि मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से। तो गाइस ये वाला डिज़ाइन आप बहुत इसी तरीके से बनाने वाली हो। तो गाइस इसे हमें यहाँ पर सिलना है इस तरीके से रख के। तो गाइस जैसे कि हमने इसे यहाँ इस पर रख दिया, थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि मैंने लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाइस ये मैंने पोटली बटन भी बना के रखी है इस डिज़ाइन के लिए। तो गाइस हमने आधा इंच सिलाई चलाने के बाद पोटली बटन लगा देना है। तो गाइस पोटली बटन तो बहुत इजी है बनाना, हर कोई जानता है, पोटली बटन तो यूँ ही बन जाता है। गाइस मेरी, अगर आपको पोटली बटन बनाना सीखना है तो आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की है। तो गाइस ये पोटली बटन है, इस तरीके से यहाँ लगाने हैं। तो गाइस आप चाहो तो एक एक इंच पर मार्क भी कर सकते हो, पर मैंने मार्क नहीं किया है, मैं एक एक इंच के अंदाज पर इसे इस तरीके से ही लगा रही हूँ पोटली बटन को इस तरीके से। तो गाइस आपको धीरे धीरे ही लगाना, देखिए ये बटन हमारे लग रहे हैं फिनिशिंग से एकदम। तो गाइस फिर हमें इस तरीके से और लगाना है पोटली बटन। तो गाइस ये मैं पीछे का ब्लाउज़ का पर्थ यानी कि बैक वाला पर्थ सिल के दिखा रही हूँ आपको, कैसे बैक वाला डिज़ाइन बनाते हैं इसी तरीके से। तो गाइस इसी ब्लाउज़ का मैंने फ्रंट पर्थ जो बनाया है, आगे वाला पर्थ, आगे के गले का, उसकी भी वीडियो अपलोड करी है मैंने, आप चैनल में जाके उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। आगे वाला गला बनाना बहुत इजी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और गाइस आगे वाले फ्रंट वाले जो आजकल चल रहे हैं ब्लाउज़, प्रिंसेस कट प्लेटेड वाले, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है। आगे से प्लेट बनानी बताई है, बहुत इजी तरीका बताया, बहुत आसान तरीके से आप उस वीडियो को देख के प्लेट बना सकते हो आगे की ब्लाउज़ में। तो बस वीडियो देखना ना भूलें मेरे चैनल पर आपको जितने भी वीडियो देखेंगे बहुत इजी तरीके से आप कुछ भी कपड़ों से रिलेटेड सिलने के बारे में या फिर आपको आइडियाज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो गाइस ये देखिए ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे, ये रहा ये देखिए गाइस फिनिशिंग कितनी है। तो यह गाइस हम यहाँ पर एक और सिलाई कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से करना है। गाइस एक साल से करीब मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हुई, मैं बीमार पड़ गई थी, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, काफ़ी दिन बाद चैनल पर अब आई हूँ, अब आपको हर दिन वीडियो मिलेगी। तो गाइस ये देखिए अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को, और यहाँ हमें कच्चा कर देना है और बाद में हम तुरपाई कर लेंगे, चाहे हम तुरपाई ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो इसे दूसरे वाले पर्थ पर रख कर ही सिलना है इस पर्थ को भी। तो गाइस ये देखिए मैंने कच्चा चला लिया है, ये देखिए ये रहा गाइस, देखिए कितने इजी तरीके से बता रही हूँ मैं। तो गाइस ये मैंने दूसरा पर्थ रख लिया है, और दूसरे पर्थ पे उसका पर्थ रख के इस तरीके से सिलना है हमें, ये देखिए गाइस जैसे मैंने सिला है, सिल चुकी हूँ मैं पीछे का पर्थ, बैक पर्थ। तो गाइस कितने इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो गाइस इसका जो आगे वाला पर्थ है इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की, आप देख लेना। तो गाइस अब हम ऊपर वाले गला जो था उसमें आपको सिखाएंगे। तो गाइस ओरे भी पट्टी काट ली है हमने, ये देखिए ओरे भी पट्टी। अब गाइस ये पीछे वाला बैग जो अभी हमने तैयार किया है हमें इस पर रख देना है और सिलाई लगानी है, ये देखिए गाइस इस तरीके से। देखिए गाइस याद रहे कि पट्टी ढीली ढीली ही लेनी है, ना कि खींच खींच कर लेने से झोल आ जाता है हमारी गला बनाने में। तो गाइस मेरी बहन भी मेरे इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही है वो भी, और मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी कर देती हूँ। तो गाइस इस तरीके से पट्टी लगानी है और यहाँ इस तरीके से कट लगा लेने हैं, ये देखिए गाइस
और हमें इसके ऊपर फिर एक सिलाई चलानी है इस तरीके से। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए गाइस ये रहा, तो गाइस ये देखिए अब यहीं पर ही हमें अपना फ्रंट वाला पर्थ लगा के छोड़ देना है। तो गाइस ये फ्रंट वाले पर्थ का गला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला गला बनाना भी मैंने सिखाया है वीडियो में, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और आगे की प्रिंसेस कट प्लेटेड ब्लाउज़ की, वो भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी है, उसे भी देख सकते हैं आप चैनल में जाके। तो गाइस हमें मुड्ढा फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से, तो मुड्ढे में बहुत फिनिशिंग आती है इस तरीके से सिलने में। ये देखिए गाइस तो गाइस आप भी अपने ब्लाउज़ के या फिर सूट के पर्तों को जोड़ें तो मुड्ढे को इस तरीके से ही जोड़ें, फोल्ड करें, फिनिशिंग आएगी। ये देखिए गाइस आप फिनिशिंग देख सकते हैं, ये रही। तो गाइस ये आगे का पर्थ है और ये पीछे का। तो गाइस बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है आगे का। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।